फ़ॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव टू से लोग कुछ भी बोलें देख बाय देख वज द फर्स्ट टू हैव डन दिस मैं जब छोटी थी शरारत देखती थी शरारत देखती थी इतने लोग आ कि मुझसे हर जगह जहाँ मुझे मिलते हैं ये इतना याद करते हैं प्यार से उस शो को आज भी यूट्यूब में एक ही आबाद आता है कि इसका सेकेंड सीज़न कब आ रहा है आज तक थैंक गॉड आई और मुझे ऐसा लगता है कि बनना भी चाहिए अब बहुत शरारत मुझे तो ये बोलना ही चाहिए कि वहाँ एक ऐसा माहौल हुआ कि जो बच्चे थे उस आ, सीरियल में वो सब मेरे एक्चुअल बच्चे बन गए टीवी जब मैं वापस आई हिना के बाद तब तो माशाल्लाह से टीवी वाज ऑन एंड तो एक की जगह दो जगह काम करने का मौका मिल रहा था फिल्में तो थी और फिर टेलीविज़न भी था टेलीविज़न माय फर्स्ट वाज ये जो है ज़िंदगी मैं उसका हिस्सा बनी और उसके बाद देख बाय देख, देख कि बहुत अच्छी मेमोरीज हैं बहुत अच्छी एक तो ऐसा सीरियल बनाना आर के स्टूडियोज़ में एक स्टेज बुक एक, uh, था जहाँ हमारे घर का सेट लगा हुआ था जो वर्किंग फ्रिज अ वर्किंग स्टोव नथिंग वॉज आर्टिफिशल ड्रॉज़ व रियल नहीं तो हर जगह जो आगे काम करते तो ये ऐसे बने हुए हैं ड्रॉज रियल नहीं है फ्रिज ऐसे है रियल नहीं है वो ऐसा नहीं था इट वाज थ्री कैमरा सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव टू से लोग कुछ भी बोलें देख बाय देख वॉज द फर्स्ट टू हैव डन दिस आनंद महद्री साहब ने सबसे पहले ये थ्री कैमरा सेटअप लगाया लेकिन वो एक्टिस के लिए बहुत टैक्सिंग भी होता था बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर आपको तैयार रहना पड़ता है कि तीन कैमरा आपके ऊपर है आपको तीन रिएक्शन जो जैसा भी है यू हैव टू भी ऑन ऐसा नहीं है कि कैमरा शिफ्ट हो गया तो नॉट द नो दू आर ऑन ऑन यू दो कैमरा और भी चल रहे हैं तो टू ऑलवेज भी अलर्ट और अगर एक टेक किसी बच्चे की तरफ से भी कट होता था तो पूरा सीन दोबारा जो करना पड़ता था बिकॉज कहीं कुछ गलत हुआ वाज वेरी डिमांडिंग आनंद मंद्रो वज़ अ वेरी डिमांडिंग डायरेक्टर बहुत परफेक्शन पसंद थे तो उसमें हम बहुत बुरी तरह पिसते भी थे पंद्रह पंद्रह मिनट के शॉट बारह बारह मिनट अब मैं बता नहीं सकती हूँ बट हम लोग इतने खुश थे उस सेट पर इतने इन कैमरा इन कैरेक्टर रहते थे हम बहुत खुश थे हंसी मज़ाक इस कदर एंड द सीन्स जो ललीपुट साहब जीनियस है जहाँ तक कॉमेडी राइटिंग है आई हैव टू गिव टू द मैन वी कॉल हिम सर्जी विथ गुड रीज़न एंड बहुत टैलेंटेड कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है लिखने के लिए करने के लिए भी है लेकिन उससे ज़्यादा लिखने के लिए वो लिखेंगे तो ही तो आप करोगे तो बहुत खूबसूरत बने थे स्क्रिप्ट आनंद महद्रो के प्रोड्यूसर जया थी तो इट वॉज़ अ होम प्रोडक्शन मेरे लिए तो बहुत 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 इंजॉय शमी आंटी शीजनोमो वो साथ थी तो माहौल इतना खूबसूरत था इतना फुल ऑफ जर्म्स इतना फुल ऑफ ये था एंड uh, शेखर सबसे बड़ा सरप्राइज़ पैकेट तो शेखर सुमन एंड भावना बंसावर बंसावर वो उसकी फर्स्ट अटैम्प्ट थी भावना की शोभा जी की बेटी हैं तो शी प्लेड द रोल ऑफ चाची टू तो परफेक्शन ग्रेट सरप्राइज एंड बच्चे कितने अच्छे थे हमसे ज़्यादा स्मार्ट तो बच्चे होते थे उस सर पर तो बहुत 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 मज़ा आया एंड फैमिली शुड बी लाइक द फैमिली इन देख बाय देख ऐसा था एंड uh, लोगों ने बहुत प्यार दिया बहुत सक्सेसफुल रही हम तो चाहते थे कि और बने नहीं बनी फॉर मैनी रीजन्स विच वी डोंट नो बट ऐसा था कि ये बहुत दिनों तक चलेगा ये चलता ही रहेगा इसलिए तो सेट बनाया है कि वी हैव टू डू इट फॉर इयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स बहुत दुख हुआ कि वो बंद हुआ मैं बहुत खुश थी उस पर बहुत शरारत वॉज ऑफकोर्स यू टी वी हुड भी बेटर देन देम एंड जरीना uh, जी खुद आई थी हमसे कहने और आई एम हैप्पी एट यस बिकॉज बच्चा ऑडियंस तो हमें उस फिल्म में इतना मिला किसी भी बच्चे से पूछे उस वक्त की इनफैक्ट नाव सोना अमीदम मैं जब छोटी थी शरारत देखती थी शरारत देखती थी इतने लोग आ के मुझसे हर जगह जहाँ मुझे मिलते हैं ये इतना याद करते हैं प्यार से उस शो को तो मैं अभी भी धमकी देती हूँ मैं आपको बंदर बना सकती हूँ अभी के अभी आपको जादू था उस शो में दैट वॉज वेरी अपीलिंग टू द बच्चा क्राउड एंड uh, उनके साथ माँ बाप भी बैठ के मजबूरी में देखते रहते थे तो फैन बेस हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया शरारत का आज भी यूट्यूब में एक ही बात आता है कि इसका सेकेंड सीजन कब आ रहा है आज तक थैंक गॉड आई और मुझे ऐसा लगता है कि बनना भी चाहिए इथ न्यू जनरेशन ऑफ एक्टर्स ऑल तो बनना चाहिए मगर बनना चाहिए हाँ मैं नानी बनूंगी वो अलग बात है एग्जैक्टली जादू टोना एंड देन राजीव मेहरा एक फिल्म मेकर टू बी द डायरेक्टर ऑफ दैट वो बहुत बड़ी बात ये भी थी ही लेंट सो मच टू द शो बहुत मस्ती बच्चे थे ना उसमें सभी और मैं नानी तो मस्ती सेट पे इतना होता था बट राजीव जी वॉज द स्ट्रिक्ट डायरेक्टर सो ही हैड एवरी थिंग इन ऑर्डर अदरवाइज पता नहीं क्या होता राजीव जी वॉज एंड ग्रेट डायरेक्टर एंड इट मेड ऑफिस ऑफिस जिस डायरेक्टर ने ऑफिस ऑफिस जैसा शो बनाया है जस्ट खान स्टॉप लाफिंग इट वॉज दैट काइन ऑफ अ शो येस सो दैट ही गॉट ऑन टू शरारत वॉज नथिंग बेटर दैन दैट मेरे लिए तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती थी यू टी वी प्रोड्यूस कर रहा है और राजीव मेरा डायरेक्ट कर रहा है तो दे सो मेनी रीजन्स टू बी पार्ट ऑफ दैट शो आई एम हैप्पी आई एम सो हैप्पी अब बहुत शरारत मुझे तो ये बोलना ही चाहिए कि वहाँ एक ऐसा माहौल हुआ कि जो बच्चे थे उस वस, सीरियल में वो सब मेरे एक्चुअल बच्चे बन गए सबसे पहली बात करूँ तो श्रुति श्रुति सेठ वो मेरी बेटी बनी है एंड फॉर लाइफ उनकी माँ है किरण जिससे मेरी बहुत दोस्ती है मैंने उसे कह दिया थैंक यू फॉर दिस रेडी बिटिया दैट आई हैव नाउ इन लाइफ और हम हम वही शेयर करते हैं आज तक बहुत प्यार है आपस में बहुत ही रिश्ता बना हुआ है गहरा और फिर मनोज बोरा देर एंड हर्ष एंड आदिति एंड ऑफकोर्स डी जी जी प्लेड रानी देवी सो एक फैमिली की तरह हम हो गए थे एंड महेश वाज़ माई सन इन लॉ पूनम जो श्रुति की माँ बनी थी हम आज तक वो रिश्ते को कायम रखे हैं हम सब आज भी जब मिलते हैं एक फैमिली की तरह बल्कि अभी अभी एक गेट uh, टुगेदर हमने साथ में किया हमें इनवाइट किया गया एंड वी आई वेंट और सबसे मिलकर इतना अच्छा लगा इतनी ताज़ा हुई यादें और काश कि हम फिर एक सीरियल दोबारा कर पाएँ हम सब ये कहते हैं जब मिलते मनोज uh, की बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना नाम चेंज किया करणवीर बोरा है आज वो लेकिन हमारे लिए ले वो मनोज जी है अभी भी हम उनको मनोज जी ही बुलाते हैं प्यार से उनको उनको अच्छा भी लगता है सो हम वही करते हैं सिंपल है एक लड़की जो द नेगेटिव लड़की थी जो बहुत पॉजिटिव लड़की है बहुत प्यारी दे आर ऑल मैरिड अब तो सबकी शादियाँ हो गई सोचिए आप और ये सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छा लगता है आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस टू गर्ल्स अदिति एंड सिंपल उन्होंने एक एक रेस्टोरेंट खोला है वन वन बी के जो इतना कामयाब है कि कोई और रेस्टोरेंट क्या हो सकता है और हम जाते हैं वहाँ बेहतरीन खाना खाते हैं एंड आई ब्लेस दैम एवरी टाइम ये रात की टीम है हमारी फैमिली तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ़ दैम ऑल्सो